कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद अली शबीर ने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत रियासत की औकाफी जायदादों के तहफ्फुज में नाकाम हो गई है। पीर के रोज मोहम्मद अली शबीर की क्यादत में वक्फ अराजी को तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा करते हुए नामपली में वाकई वक्फ बोर्ड के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया गया। इस दौरान मोहम्मद अली शबीर सीपीआई पार्टी कायद अजीज पाशा व दीगर ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में एक याददाश्त भी पेश की है। बाद अजां मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के मामले में हुकूमत सौतेला सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2016 में माइनॉरिटीज में फाइनेंस कॉरपोरेशन में 1,68,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें तफसीली कार्रवाई के बाद 8,000 दरख्वास्तों को मंजूर किया गया। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। ये हुकूमत ने मुसलसिल माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के साथ बिल्कुल सौतेला रवैया अख्तियार कर रही है सरकार। माइनॉरिटीज में फाइनेंस कॉरपोरेशन में 1,68,000 दरख्वास्तें आए तीन साल पहले 2016 में, उसको वो लोग इंक्वायरी कर 8,000 फाइनल करे। 8 आदमी का नहीं, अभी बहुत जमा तीन साल के बाद नंबर लगा के गाड़ियां देने का वो भी मंसूख कर दिए। तीन साल से उर्दू अकाडमी के अवार्ड्स नहीं दिए। इतने बड़े आलिम दीन जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में उतने बड़े आलिम दीन मौलाना राबे नदवी साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन का नाम भी अनाउंस हुआ महरूम आवाज के लिए, वो भी रोक दिए। क्या 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 हंसी मजाक कर रहे हैं हुकूमत साहब कांग्रेस के बड़े आलिम दीन के साथ। कांग्रेस के ज़माने में भी लैंको हिल्स का मसला आज तो पेश आया था, वो भी तो टीआरएस से कम नहीं है ना। हाँ, लैंको हिल्स के बारे में भी आपको बताऊँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। लैंको हिल्स मत बोलो, उसको बोलो दरगाह हुसैन शाह वली। वो ज़मीन 1600 एकड़ का दावा वक्फ बोर्ड कर रही है, लेकिन कब करी? वो करी है 2006 में, अप्रैल में 2006 में करी। उससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने 725 एकड़ ज़मीन उन्होंने जैसा आईएसबी है सो अलाट करे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि कोई ज़मीन अलाट नहीं करेंगे, ऑक्शन करेंगे। 4,27,00,000 एकड़ से किया, जब वक्फ बोर्ड एरेडा दिया और कोई अदालत में भी नहीं जीता, उसके बावजूद भी हम एडवोकेट जनरल के थ्रू बोले अगर वक्फ की ज़मीन साबित कर दिए तो 4,27,00,000 से जो 400 करोड़ का अमाउंट है सारा वक्फ को दे देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमने हलफनामा दाखिल करा, इस पर केसीआर साहब ने कहा मैं 100 दिन में ज़मीन दिलाऊँगा। अब बताओ केसीआर को 100 दिन में क्यों नहीं दिलाया भाई? ठीक है कांग्रेस के आप कह रहे हैं कि भाई आपके ज़माने में कांग्रेस में अगर हुआ है, पर ये भी देखो कि यही कांग्रेस का दौर है। यहाँ बाजू में मेरा स्टोन देख जाइए, जरा पीछे वो देखिए खरतबा, इसका रजाक मंजिल का कब्जा मैंने लिया और यहाँ ऑफिस करा 93 में। उसके बाद 5 करोड़ में ये जायदाद लिए हम, यहाँ पर दक्कन मोटर ड्राइविंग स्कूल था आप सब जानते हैं, निकाल कर लिए। उसकी ज़मीन 20 करोड़ में खरीदे, लेकिन आज तक वो जैसे का वैसे नहीं। और वहाँ हम जो संग बुनियाद रखे जो गए वैसी, एक पत्थर एक ईंट भी नहीं लगा सकी सरकार। लेकिन क्या खुश रखी आपको, इफ्तार खाओ 200 रुपये की साड़ी या कुर्ता पजामा ले जाओ और खुश हो जाओ। एक रेजिडेंशियल स्कूल का काम अच्छा था, वो भी हमने 13 स्कूल खोले थे, बिल्डिंगे हमने बनाए थे, उसको तुम बड़ी तादाद में करे मुबारकबाद। शादी मुबारक ये यहीं शुरू करा, यहीं वैस राजशेखरेड्डी के साथ हमने एक दिन में 50 मास मैरिजेस का शुरुआत हमने करी 25,000 रुपये से। आप उसको आप 1 लाख करें खुशी को, लेकिन स्टार्ट कौन सी हुकूमत करी हमने की? ठीक है।